आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। एक किलो मादक पदार्थ हेरोइन जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ रुपए तथा 14 लाख रुपए नगद के साथ रंगे हाथ देवकठिया बैसो नदी पुलिया NH-31 के पास से स्वाट सर्विलांस टीम व थाना जंगीपुर की पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक उमवीर सिंह के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुशल मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी नगर के निकट परिवेक्षण में दिनांक मंगलवार को स्वाट सर्विलांस व थाना जंगीपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को मादक पदार्थ हेरोइन की खरीद बिक्री करते समय 1 किलो मादक पदार्थ हेरोइन और 14 लाख रुपए नगद के साथ रंगे हाथ देवकठिया बेसो नदी पुलिया NH-31 के पास से समय करीब 6:45 पर गिरफ्तार किया। हेरोइन की अवैध तस्करी करने वाले अभियुक्त गणों के विरुद्ध अपराध संख्या 177/2023 धारा 8/21 NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त गण के नाम इस प्रकार है। भागचंद तवर और भागचंद पुत्र रामलाल तवर निवासी ग्राम दुर्जनपुरा थाना घाटोली जिला झालावाड़ राजस्थान। आपराधिक इतिहास अपराध संख्या 177/2023 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना जंगीपुर गाजीपुर। राजकमल उर्फ कमल सहानी पुत्र बुझारत सहानी निवासी घमहापुर थाना लोहता जनपद वाराणसी। आपराधिक इतिहास अपराध संख्या 191/2022 धारा 380 411 457 भारतीय दंड विधान थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी। अपराध संख्या 38/2019 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीगढ़ जनपद चंदौली। अपराध संख्या 251/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना अली नगर जनपद चंदौली। अपराध संख्या 346/2019 धारा 8/22 NDPS एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चंदौली। अपराध संख्या 198/2022 धारा 201 394 411 भारतीय दंड विधान थाना लोहता जनपद वाराणसी। अपराध संख्या 341/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना लोहता जनपद वाराणसी। अपराध संख्या 177/2023 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना जंगीपुर गाजीपुर। शिवम प्रताप सिंह पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी ग्राम बढ़ोरा थाना रामगढ़ जिला कैमूर भभुआ बिहार। आपराधिक इतिहास अपराध संख्या 177/2023 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना जंगीपुर गाजीपुर। अपराध करने का तरीका इस गिरोह का मास्टरमाइंड अजय कश्यप पुत्र कश्यप निवासी ददरी घाट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर हाल पता फ्लैट नंबर 403 टावर नंबर 3 श्री राम नगर कॉलोनी मडुहा ढी रेलवे स्टेशन के पास थाना मडुहा ढी जनपद वाराणसी है जो दूर बैठे बैठे पूरे नेटवर्क को संचालित करता है तथा अपने पुत्र अभय कश्यप और अन्य सहयोगियों राजकमल उर्फ कमल सहानी शिवम प्रताप सिंह उपरोक्त के माध्यम से अवैध तरीके से मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री अंतर्राज्यीय स्तर पर करता है और माल की डिलीवरी सुनसान स्थानों पर जाकर करता है। मंगलवार को राजस्थान के हेरोइन तस्कर बागचंद तवर उपरोक्त को 1 किलोग्राम नाजायज हेरोइन की डिलीवरी करने के लिए अजय कश्यप के कहने पर अभय कश्यप राजकमल उर्फ कमल सहानी व शिव प्रताप सिंह 2 मोटरसाइकिल से NH-31 बेसो नदी पुलिया के पास हाईवे पर आए जिन्हें नाजायज हेरोइन खरीद बिक्री करते समय रंगे हाथों 1 किलो हेरोइन और 14 लाख रुपए नगद के साथ पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया जबकि मौके का फायदा उठाकर अभय कश्यप मोटरसाइकिल से भाग निकला। पूछताछ में हेरोइन तस्कर बागचंद द्वारा बताया गया कि वो हेरोइन राजस्थान कोटा में ले जाकर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर नशे के आदि नए उम्र के पढ़ने वाले बच्चों को बेच देता है। गिरफ्तारी का दिनांक समय स्थान मंगलवार शाम 6:45 देवकठिया बैसो नदी पुलिया NH-31 के पास थाना जंगीपुर गाजीपुर। बरामदगी 1 किलो नाजायज मादक पदार्थ हेरोइन कुल नगद 14 लाख रुपए 1 अदद मोटरसाइकिल BR45Q7322। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम स्वाट टीम प्रभारी उपनिरीक्षक रामाशय राव मई टीम जनपद गाजीपुर सर्विलांस सेल प्रभारी उपनिरीक्षक शिवाकांत मिश्रा मई टीम जनपद गाजीपुर थाना अध्यक्ष उपनिरीक्षक अमित कुमार पांडे थाना जंगीपुर मई हमराह जनपद गाजीपुर सलीम मंसूरी ब्यूरो चीफ गाजीपुर की रिपोर्ट। सर हीरोइन तस्कर पकड़े गए क्या मामला? देखिए आप सभी जानते हैं कि यह जनपद में पूर्व में भी इस तरह के हीरोइन तस्करी की घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को हम लोग लगातार उस पर काम करते रहते हैं। इसी क्रम में कल सूचना मिली थी और
सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे लगभग 1 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है और 14 लाख रुपए जो हीरोइन उन्होंने बेच दिया था, डील हो गए थे, उसके 14 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। क्या कीमत होगी सर इसकी? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ की कीमत है। कुछ लोग वांछित भी हैं? जी, 2 लोग वांछित हैं जो यहाँ के लोकल हैं, जिनके माध्यम से ही राजस्थान और बिहार के अपराधी इस लिंक से जुड़ते हैं और बिहार से माल ले जाके राजस्थान में छोटे छोटे टुकड़ों में भेजते हैं।